हर हर महादेव। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। तो अभी है सुबह का समय और पूजा वगैरह सब हो चुकी है, तो बस चलिए किचन में चलते हैं और बनाते हैं सुबह का नाश्ता। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या बनाने की प्रिपरेशन रखी हुई है, आई होप आप सब लोग समझ ही गए होंगे। तो जी हाँ, आज बहुत दिनों बाद मैं बनाने जा रही हूँ बर्गर। घर पे बहुत आसानी से बनता है, आप सब लोग भी बनाते होंगे, तो मैंने सारी प्रिपरेशन यहाँ पे कर ली है, जिसमें मेन मैंने बर्गर ले लिया है और ये टोमेटो और स्लाइस अनियन और ये ब्रेड क्रम्स है थोड़े से, ये स्लरी एक बनाई है और ये है आलू की टिक्की, क्योंकि मैं टिक्की वाला बर्गर बनाने जा रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने सब तैयारी कर ली है। अब मैं सबसे पहले टिक्की को फ्राई कर लूंगी, तो उसमें मैं सबसे पहले इस टिक्की को स्लरी में डाल के और ब्रेड क्रम्स में लपेट के इसको फ्राई कर लेती हूँ। चलिए दोस्तों करते हैं। और हाँ, चीज जो कि बहुत जरूरी है, तो मेरे पास लिक्विड चीज थी तो मैं ये डाल रही हूँ, और कभी कभी स्लाइस चीज भी हम लोग जब अवेलेबल होती है तो डालते हैं, ऑब्वियसली टेस्ट अच्छा बढ़ता है, बट अगर नहीं है तो ऐसे भी बन जाते हैं। तो चलिए बनाते हैं। तो गाइस, ये बर्गर की टिक्कियां बिल्कुल फ्राई करने के लिए कढ़ाई में चली गई है और यहाँ पे बंस मेरे सिक रहे हैं, तो ये दोनों चीज कंप्लीट होगी, उसके बाद हम करेंगे बंस को असेंबल। तो गाइस, सब कुछ रेडी है, अब चलिए करते हैं असेंबल। तो सबसे पहले हम ये सॉस लेंगे और एक साइड में हम ये सॉस लगाएंगे और इसको हम स्प्रेड कर देंगे इस स्पून की सहायता से। तो ये लग गया सॉस, और इधर वाले पोर्शन पे हम लगाएंगे ये चीज अच्छे से। तो अच्छे से हम ये चीज को स्प्रेड कर देंगे। एक्चुअली मैं एक हाथ से मोबाइल पकड़े भी हूँ फ्रेंड्स, तो थोड़ा दिक्कत तो होती ही है, बट क्या कर सकते हैं, मैनेज तो करना ही है। तो ये हो गया है। अब हमारी ये जो टिक्की हमने बनाई है वो हम इस पे रख देंगे ऐसे, और उसके बाद हम रखेंगे एक टोमेटो की स्लाइस और एक ये अनियन की स्लाइस, और उसके बाद ये जो टोमेटो सॉस वाला पोर्शन है इसको हम इससे कवर कर देंगे। और फ्रेंड्स, ये देखिए हमारा बर्गर बिल्कुल तैयार है। और सुबह मैंने बेटी को बना के दिया तो वो खाकर गई, बोली मम्मा बहुत ही टेस्टी हुआ है। तो बस चलिए प्लेटिंग करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये बर्गर बिल्कुल बनके तैयार हो चुका है और ये बहुत यम्मी बना है, ये मैं नहीं कह रही हूँ, मेरी बेटी ने खाया था वो बता रही थी। तो चलिए अब देती हूँ मैं अपने माँ को इसको और उनसे पूछती हूँ कैसा बना है। तो फ्रेंड्स, मैंने ये बर्गर माँ को ट्राई करने के लिए दिया है और वो खा रही है, देखते हैं उन्हें कैसा लगा है। तो माँ से ही पूछते हैं, तो माँ आपको ये बर्गर कैसा लगा? बहुत बढ़िया लगा, बहुत बहुत अच्छा है। थैंक यू माँ, थैंक यू। तो फ्रेंड्स, मेरी माँ को और मेरी बेटी को दोनों को ही बहुत अच्छा लगा है। तो चलती हूँ फ्रेंड्स, बाय बाय। आप लोग भी बनाइए, खाइए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। जय श्री राम, हर हर महादेव।